एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे दो लोगों के जिंदगी के बद संभालना है, वो कर लेगा। हमारे देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाता है, टीचर के अपॉइंटमेंट पर बल दिया जाता है, वो काम हो भी रहा है, लेकिन समय की मांग है क्वालिटी एजुकेशन की। गरीब से गरीब, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति हो, मैं ऐसे कैसे चीजों को खोज के निकालूं कि उसी क्वालिटी का एजुकेशन जो अमीर घराने के बच्चों को मिलता है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा गरीब से गरीब तक मैं कैसे पहुंचाऊं। और देश तब बदलेगा कि हम समाज के आखिरी इंसान को इस सुविधाओं से लाभान्वित करके उसकी जिंदगी बदलने का अवसर दे। हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो वहां भी ऐसे स्पार्क वाले बच्चे होंगे जो उठ करके खड़े हो जाएंगे और दुनिया बदल देंगे। हेल्थ सेक्टर, आज हेल्थ सेक्टर ज्यादातर डॉक्टरों पर डिपेंडेंट कम है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। डॉक्टर भी खुद टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। मशीन तय करता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, फिर डॉक्टर कहता है ठीक है मैं किताब देकर कहीं ले लो। इसका मतलब हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश में ये अफोर्डेबल कैसे हो, ये हमारे सामने चुनौती है। सस्ते में सस्ता व्यवस्था का कैसे बने, इस पर हम सोचे, नए पंथ से सोचे। और इसलिए स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाईफाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई कमाल किया।